मामा टीवी। सागरपुर गांव में एक गरीब लड़की शीला अपनी दादी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। वो दोनों बहुत ही गरीब थे, बड़ी मुश्किल से अपना गुजर बसर किया करते थे। एक दिन जब शीला गांव में घूम रही थी तो उसने गांव की एक अमीर लड़की रेखा को एक पपीता खाते देखा। अरे वाह रेखा, तुम पपीता कहाँ से लाई हो? ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, थोड़ा मुझे भी खिलाओगी? शीला की बात सुनकर रेखा ने कहा, मेरे पिताजी शहर से लाए हैं पपीता, बहुत मीठा है, और वो मेरे लिए लाए हैं, मैं तुम्हें क्यों दूँ? रेखा की इस बात का शीला को बहुत बुरा लगा और वो रोते रोते अपने घर गई। उसे रोता देख उसकी दादी ने पूछा, अरे रो क्यों रही है, क्या हुआ? शीला ने रोते रोते अपनी दादी को सारी बात बताई। यह सुनकर उसकी दादी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसकी दादी ने कुछ सोचकर कहा, चल आज मैं तुझे एक जादुई पपीते का पेड़ दिखाऊंगी। हाँ मगर याद रखना, उस पपीते के पास पहुंचने के लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना होगा बेटी। कोई बात नहीं दादी, मुझे पपीता खाना है, आप जो भी कठिनाई कहोगे मैं उसे पार कर लूंगी। शीला की दादी उसे लेकर पहाड़ी के ऊपर चल पड़ती है और पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने पर उन्हें एक बहुत बड़ा पपीते का पेड़ दिखाई देता है। पपीते देखकर शीला खुश हो जाती है। वो अपनी दादी से कहती है, अरे वाह दादी, इतने सारे पपीते, अब तो हम दोनों मिलकर खूब मीठे मीठे पपीते खाएंगे और कुछ गांव वालों के लिए भी ले जाएंगे, है ना दादी? हाँ हाँ क्यों नहीं, अब तो खुश है ना। अब देख मैं बहुत थक गई हूँ, तू पपीते तोड़, मैं यहाँ पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर लेती हूँ। शीला उस पेड़ से खूब सारे पपीते तोड़ती है और एक गठरी में बांध लेती है। दादी मैंने पपीते तोड़ लिए, चलो गांव वापस चले। और वो दोनों पपीते लेकर गांव के लिए उतरने लगते हैं। लेकिन जब वो पहाड़ी के बीचों बीच पहुँचते हैं तभी वहाँ एक बहुत बड़ा बंदर आ जाता है और इशारा करके पपीते मांगने लगता है। शीला पपीते की गठरी उतार कर नीचे रखती है और बंदर देखते ही देखते सारे पपीते खा लेता है। वो सिर्फ एक पपीता शीला के लिए छोड़ता है। शीला वो एक पपीता लेकर अपनी दादी के साथ वापस घर आ जाती है। लेकिन वो जैसे ही खाने के लिए पपीता काटती है तो हैरान हो जाती है। उस पपीते के अंदर से बहुत सारा धन, पैसा, जवाहरात, हीरे, मोती निकलने लगते हैं। यह देखकर शीला की दादी बोलती है, अरे बेटी ये जादू है जादू, तेरी नेक दिली और पपीते के पेड़ का जादू, ये सब उसी की कृपा से हुआ है। और वो गांव वालों को, पशु पक्षियों को और खासकर बंदरों को खूब सारे पपीते खिलाते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। विशाल तरबूज ऑटो। ये बहुत समय पहले की बात थी, दक्षिण भारत में एक छोटा सा गाँव था नागपट्टनम। उस गांव में एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन था। वहां पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट होते थे, रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भी बनाते थे। वहां पर जाना बहुत ही मुश्किल था, साधारण व्यक्तियों को अंदर नहीं आने देते थे क्योंकि ये सब जाति सुरक्षा का व्यवहार था। उसी गांव का रहने वाला मदन के पास एक ऑटो था। मदन एक साधारण व्यक्ति था, वह अपने बेटा किशोर के साथ रहता था। बेटा किशोर, मैं ऑटो चलाने बाहर जा रहा हूँ, तुम घर में ही रहना। उसी दिन उस गांव में तीन खतरनाक चोर आते हैं और हर एक घर जाकर चुपके से रिक्की करने लगते हैं। भाई देखा, इस गांव में सभी बहुत धनवान हैं, सभी के पास बहुत सारा पैसा, गाड़ियां भी हैं। हमको एक महीने के अंदर पूरे गाँव में चोरियां करनी है। ऐसा सोचकर तीनों चोर उस गांव में चोरियां करने लगते हैं। एक दिन मदन के घर भी आते हैं और बाहर रखे ऑटो को रात को आकर चोरी करने के लिए सोचते हैं। फिर तीनों रात को आकर धीरे धीरे ऑटो को चुरा ले जाते हैं। सुबह जब मदन और किशोर देखा कि ऑटो वहां पर नहीं है, किशोर ने ऐसा बोला, आप उदास मत हो पापा, मैं हमारे ऑटो को किसी भी तरह ढूंढ लूंगा। ठीक है बेटा, तुम जाकर ढूंढो,
मैं पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करता हूँ। किशोर जाकर ऑटो को ढूंढने लगता है, जाकर सारा गांव गली ढूंढता है, लेकिन ऑटो कहीं भी नहीं मिलता। किशोर ढूंढते ढूंढते गांव से दूर स्पेस रिसर्च सेंटर तक चला जाता है। वहां पर एक जगह कुछ झाड़ियों में उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये तो कुछ अद्भुत डिवाइस जैसी दिख रही है। ये जरूर कुछ यंत्र होगा, मैं इसे घर ले जाकर टेस्ट करता हूँ। किशोर उस यंत्र को घर लेके आता है। उसके पापा मदन भी उसको देखता है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। सारा बटन दबाकर देखते हैं, लेकिन वह कुछ काम नहीं करता। फिर किशोर ने एक तरबूज लाकर उस डिवाइस के सामने रखता है और उस यंत्र को भी नीचे रख देता है। तभी उसमें से एक लेजर आती है और तरबूज पर पड़ती है। तभी एक बड़े धमाके के साथ वह तरबूज एक बड़ा तरबूज की ऑटो में बदल जाता है। तभी मदन ने बोला, अरे बेटा ये तो अद्भुत है, तुमने कमाल कर दिया है। अभी हम इसी तरबूज ऑटो को चलाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। सभी लोग उस अद्भुत तरबूज के ऑटो पे चढ़कर मजा लेते हैं। ये बात स्पेस रिसर्च सेंटर वालों को पता चल जाता है। तभी उनके ऑफिसर्स आकर उस यंत्र को लेके जाते हैं, लेकिन उस तरबूज के ऑटो को छोड़ देते हैं। तभी एक ऑफिसर, देखो बेटा ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये रूप बदलने वाला एक लेजर मशीन है। जब भी ऐसा कुछ मिले तो हमें देना चाहिए। ऐसा बोलकर वह चले गए, लेकिन मदन तरबूज ऑटो को चलाकर किशोर के साथ हंसी खुशी रहने लगा। जादुई सोने का नारियल पेड़। जबलपुर नाम के गांव में दो दोस्त रहा करते थे, राजा राव और बाबू राव। वह दोनों मिलकर नारियल का व्यापार करते थे। सारे गांव के लोग उन्हीं के पास आकर नारियल के पानी पीते थे। उनका व्यापार अच्छा चल रहा था और वह दोनों मिलकर कुछ और नारियल के खेत खरीदने के लिए सोचते हैं। यार बाबूराव, हमको अभी हमारा व्यापार बढ़ाना है, शहर में भी दुकान खोलना है। इसीलिए हमारे कमाई में से पैसे निकालकर एक बड़ा खेत खरीदेंगे, क्या बोलते हो? राजा राव का बुद्धि कुछ ठीक नहीं था, इसीलिए जानबूझकर सारा खेत उसके ही नाम पे रजिस्टर करवा देता है और बाबूराव के नाम पे सिर्फ एक पेड़ रखता है। एक दिन राजा राव बाबूराव से कहा, अरे बाबूराव, अब बहुत कमाई हो गई है यहाँ पर, मैं अब विदेश चला जाना चाहता हूँ, मेरा सारा खेत बेच देना चाहता हूँ। क्या तुम्हारा सारा खेत? उसमें तो आधा मेरा भी है, पागल हो गए हो क्या? उसे कैसे बेचोगे? आधा हिस्सा कहाँ से मिला रे तुमको? ये देखो कागजात, ये सारा खेत मेरे नाम पर है, तुम्हारा तो सिर्फ ये एक पेड़ है, इसको लेके तुम अपना नारियल का व्यापार करो। ये तो सरासर अन्याय है राजा राव, तुम इसकी अंजाम भुगतोगे। देखो मैं एक दिन तुमसे भी अमीर आदमी बन के दिखाऊंगा। क्या बच्चों जैसे बातें कर रहे हो भाई, तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकता। अभी तुम इस एक पेड़ को लेकर चमत्कार कर देगा क्या? क्या इसमें से सोना निकलेगा? हा, अमीर बनेगा अमीर। ऐसा बोलकर राजा राव वहां से निकल जाता है। बाबू राव उदास अपने घर चला जाता है। अगले ही दिन बाबू राव मंदिर जाके नारियल को चढ़ाकर उस प्रसाद को लेके उसके पेड़ के यहाँ डाल देता है। तभी जोर सी हवा और बारिश आता है, वह जाके नारियल पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह पेड़ हवा से जोर जोर से हिलने लगती है। कुछ देर के बाद जादू से उसको एक नारियल गिरने की आवाज आती है। बाबू राव पीछे देखा तो वह चौंक जाता है। देवा रे देवा, विशाल सुनहरा नारियल, ये कितना बड़ा है, अब मेरे सारे परेशानियां चुटकी में दूर हो जाएंगे। ऐसा उस विशाल नारियल को काटता है, उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के, चांदी और जवाहरात आने लगते हैं। ये बात गांव में सारे लोगों को पता चल जाता है
और ये अद्भुत देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। और राजा राव भी आ जाता है। राजा राव और सभी ये देखकर दंग रह जाते हैं। तभी बाबू राव ने बोला, क्यों रे धोखेबाज, अभी क्यों आए हो यहाँ पर? देखो अब मैं तुमसे ही नहीं इस गांव में सबसे अमीर बन गया हूँ। अरे नहीं नहीं, ये तो हम दोनों ने मिलकर खरीदा है, मुझे भी इसमें हिस्सा होगा। कहाँ का हिस्सा रे राजा राव, तुमने ही तो ये पेड़ मेरे नाम पे रजिस्टर करवाया है, मालूम नहीं क्या? बाबूराव की बात सुनकर राजा राव वहां से भाग जाता है। फिर बाबूराव सभी गांव वालों को सोना बांटता है। सभी आकर थैलियों में भर भर के सोना लेके जाते हैं, लेकिन नारियल से सोना आना बंद नहीं होता। ऐसा बाबूराव गांव में सबसे अमीर आदमी बन जाता है।